क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। साल 2020 में टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की है और अपनी पहली ही सीरीज में जबरदस्त खेल दिखाया है। हालांकि गुवाहाटी T20 मैच रद्द हो गया, लेकिन जिसके बाद खेले गए इंदौर में दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया को प्रचंड जीत मिली है और मलिंगा की लंकाई टीम को टीम इंडिया ने कुचल कर रख दिया। तो कैसे मिली इंदौर T20 में भारत को बड़ी जीत और कैसे विराट की सेना इस जीत के साथ क्रिकेट का इतिहास बदलने में सफल हो गई, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी नजर में इंदौर की जीत का हीरो कौन है, कमेंट जरूर करें। तो इंदौर में लंबे समय बाद T20 मैच खेला गया। हालांकि इस दूसरे मैच में टीम इंडिया पहले से ही फेवरेट मानी जा रही थी, मगर मैच इतना शानदार होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। टीम इंडिया ने इस मैच में श्रीलंकाई टीम को कुचल कर रख दिया। भारत के बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया और गेंदबाजों के साथ साथ फील्डर्स ने भी कमाल की कैचिंग की। हालांकि कुछ मौके जरूर मिस हुए, लेकिन इंदौर के मैच में टीम इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा। श्रीलंका के खिलाफ भारत ने अपनी 12वीं जीत दर्ज की और अब तक खेले गए 17 मुकाबलों में श्रीलंका टीम सिर्फ 5 ही मैच जीत पाई है। वहीं सीरीज की बात करें तो कोई भी सीरीज टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ नहीं हारी है और यहां भी अब सीरीज में 1-0 की बढ़त भारत को मिल गई है। इन्हें टीम इंडिया इस सीरीज में भी नहीं हारेगी क्योंकि अगला मैच हारने पर भी सीरीज बराबर ही हो पाएगी और श्रीलंका के खिलाफ कोई भी सीरीज ना हारने का बड़ा रिकॉर्ड टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। अब सीरीज का अगला मुकाबला 10 जनवरी को पुणे में खेला जाएगा। तो इंदौर के मैच में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस से आप कितने खुश हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मैच का अपना हीरो भी जरूर बताएं। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।